दुनिया के दो सबसे बड़े कट्टर दुश्मन देश अमेरिका और रूस दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने के लिए अपने हथियारों के जखीरे में एक से बढ़कर एक नए हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। दोनों ही देश परमाणु हथियारों से लैस हैं, लेकिन फिर भी सीधी भिड़ंत की तैयारी के लिए दोनों के पास आज के जमाने की टेक्नोलॉजी से लैस वो सारे हथियार हैं जो अगर चले तो फिर तबाही ही तबाही होगी। और इसी क्रम में हाल ही में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की ताकत का बड़ा गुणगान किया है। इतना ही नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट ने माना कि S-400 अमेरिका के F-35 जैसे स्टील्थ लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने की काबिलियत रखता है। दरअसल रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, तो वहीं अमेरिका का पांचवी पीढ़ी का F-35 लड़ाकू विमान दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों में से सबसे पहले शुमार होता है। ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक F-35 अत्याधुनिक स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। दावा है इस टेक्नोलॉजी की मदद से विमान रडार की पकड़ में नहीं आता है। S-400 ट्रायम्फ, जिसे नेटो के सदस्य देश S-21 ग्लोरर के नाम से बुलाते हैं, इस सिस्टम की अपनी एक ताकतवर और प्रभावशाली सीरीज है जिसमें कई तरह के हवाई खतरों से निपटने के लिए तैयार की गई अलग अलग मिसाइलों को तैनात करने की क्षमता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक के तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल सिस्टम को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। बताया जाता है कि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है, इसके लिए आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। S-400 में 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलें इस्तेमाल होती हैं, जो कि 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक जाती हैं। ये मिसाइल सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट करने का मादा रखता है। इसका रडार बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। दावा किया जाता है कि ये 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 160 टारगेट ट्रैक कर सकता है, वहीं 400 किलोमीटर तक 72 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। ये मिसाइल सिस्टम एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। S-400 सिस्टम के किसी भी विमान का मुकाबला करने की क्षमता के चलते ही इसको दूसरे देश आंख मूंद कर रूस से खरीद लेते हैं। भारत ने S-400 मिसाइलों को 5 स्क्वाड्रन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बताया जाता है कि चीन के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू जेट का मुकाबला करने के लिए भारत इस उन्नत वायु रक्षा प्रणाली को रूस से खरीद रहा है। खास बात यह है कि किसी भी इलाके से आने वाले न्यूक्लियर मिसाइल को भी ये हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसके जरिए दुश्मन की सीमा के अंदर भी नजर रखी जा सकती है। ये सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। रूस का यह हथियार अपनी कैटेगरी में दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार माना जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो हेलेनिक एयरफोर्स कर्नल जिकेडिस के डाटा के मुताबिक F-117 के मुकाबले में S-400 सिस्टम का डिटेक्शन रेंज कम है। F-117 का रडार क्रॉस सेक्शन F-22 से लगभग 30 गुना बड़ा है और F-35 से कम 2 गुना है। अनुमान के मुताबिक S-400 रडार सिस्टम F-35 की पहचान तब कर सकता है जब वह करीब 20 मील के दायरे में आता है। हालांकि F-35 हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है, जो 40 से 60 मील दूर तक टारगेट तक पहुंचने में सक्षम है। बहरहाल S-400 और F-35 के बीच टकराव की संभावना बेहद कम है, लेकिन फिर भी अमेरिका कभी भी S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती वाली जगह के आसपास अपने F-35 विमान को तैनात नहीं करता है।